टॉपिक है बेटा रूल्स करने। सबसे पहले तो रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। बेटा कन्वेक्स लेंस के लिए हमने क्या करना है, रूल सीखने हैं। ये कन्वेक्स लेंस है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस वन टू एफ वन, फोकस टू टू एफ टू। क्लियर है बेटा, हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा कल वाली क्लास के अंदर, ठीक है। आज जो मैं बता रहा हूं सबसे पहला केस हमने क्या करना है, रूल सीखना है। तो रूल के अंदर पहला रूल क्या कहता है बेटा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इफ एनी रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर द रिफ्रैक्शन, देखो बिल्कुल सेंटर तक लेके आनी है आपने, ये जो पॉइंटर है बिल्कुल इसके यहां तक लेकर आनी है। हमारी गलती यही होती है, हम लोग यहां तक लाएंगे फिर यहां पॉइंट कर देंगे, गलत है वो बेटा। कहां तक लेके आएंगे, बिल्कुल सेंटर तक लेके आएंगे एंड इट विल पास थ्रू द फोकस टू। पर देखो एक साइड से लाइट आएगी दूसरी साइड जाएगी, बिकॉज यहां पर क्या है, ये लेंस है, मिरर नहीं है। मिरर होता तो क्या होता है बेटा, जिस साइड से लाइट आएगी उसी साइड जाती है वापस। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, ये क्या था, मिरर था। और यहां पर क्या बेटा, जिस मीडियम से लाइट आई है उसके दूसरे साइड जाएगी बेटा, है ना। तो यहां पर लाइट आई इधर से तो इस साइड जाएगी और जाएगी कहां पे, फोकस टू से पास करेगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, कहां से आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद दूसरी साइड वाले फोकस से पास करेगी बेटा, ठीक है। इफ एनी रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ अदर साइड बेटा, जहां से आई है वहां से उस वाले फोकस से नहीं दूसरी साइड वाले फोकस से पास करेगी बेटा। रूल समझ आ गया, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो दूसरी साइड वाले फोकस से पास करेगी बेटा, समझ आ गया। ड्रॉ करो बेटा जल्दी से, जल्दी से ड्रॉ करो। तो रूल टू देखते हैं बेटा, पहला रूल क्लियर है सभी को, तो इसके एक्सप्लेनेशन में लिख नहीं रहा, बस सीधा डायग्राम से समझ जाएंगे हम लोग बेटा। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी तो वो अपोजिट साइड वाले बेटा फोकस से पास करेगी। देखो बेटा सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है भाई लो जी, ऑप्टिकल सेंटर फोकस f1 2f1 f2 और दूसरा बेटा 2f2। अब क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से निकल रही है तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी बेटा। ये दोनों रूल्स हमने कल सीखे भी थे ना बेटा, जब डेफिनेशन सीख रहे थे फोकस वन और फोकस टू की बेटा। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गई है, इस साइड वाले फोकस से अगर कोई रे ऑफ लाइट जा रही है बेटा, तो क्या होगा, वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ आ गया रूल, पहला रूल अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आई है तो दूसरी साइड वाले फोकस से चली जाएगी, दूसरा रूल अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गई है तो दूसरी साइड के पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ आ गया बेटा दोनों रूल्स। तीसरा रूल, और ये भी हम लोग कर चुके थे क्या, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी बिना डेविएशन के, तो विदाउट एनी डेविएशन बेटा इट विल पास स्ट्रेट और सीधी चली जाएगी, विदाउट एनी अनडेविएटेडली सीधी चली जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन सीधा पास कर जाएगी। ये तीन रूल्स हैं इसके लिए डायग्राम्स बनाने के, आगे समझ में अच्छे से बेटा सभी को, ड्रॉ कर दो जल्दी से एक मिनट के अंदर। इसकी एक्टिविटीज जो हमने सारी एक साथ डिस्कस कर दूंगा आप लोगों से बेटा कि क्या क्या एक्टिविटीज इसमें पेपर में आ सकती है इसके अंदर भी। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आई है तो दूसरी साइड वाले फोकस से पास करेगी, फोकस से गई है तो दूसरी साइड जाके पैरेलल ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो इट विल पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे बेटा रे डायग्राम्स की। पहला केस करेंगे, ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है हमने, इंफिनिटी पे। तो पहला केस लिखो बेटा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। बेटा कल की क्लास में था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो अनडेविएटेडली सीधी चली जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होने का मतलब क्या है मेरे बच्चों, कि रेस कैसी आएगी वहां से, पैरेलल आएगी, यही सीखते थे बेटा हम लोग। चलो
सिंपल साइज सीखने कुछ मुश्किल नहीं करता, रेंज शुरू कॉम्प्लेक्स नहीं करता। ऑप्टिकल सेंटर फोकस वन टू एफ वन एफ टू और अगर पूछो टू एफ टू ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रेस आर कमिंग पैरेलल बेटा दो पैरेलल बना दो चार रेस से ज्यादा नहीं दिखाना नहीं तो बेटा काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा दिखने लग जाता है डायग्राम समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। ठीक है बेटा बिल्कुल कहां तक लेके आना है सेंटर तक ये हमेशा हैबिट बनानी है बिल्कुल आधे तक लेके आना है यहां तक बेटा बिल्कुल ठीक है। पैरेलल आती है तो कहां से जाएगी बेटा एफ टू से दूसरे वाले फोकस से बेटा ये लो जी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गया सर इमेज तो दिस इमेज इज पॉइंट साइज इमेज बेटा तो द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड सर ये ऑब्जेक्ट के इमेज में जो लिखी हुई है पहले के तीन फेसेस में भी लिखा वो तो रूल्स थे बेटा रे डायग्राम अब शुरू किया वो तो रूल्स है कि पैरेलल आते तो क्या करती है। ठीक है बेटा आज अब हम लोग रे डायग्राम कर रहे हैं। ठीक है फोर्थ है बेटा नेचर एक्चुअली में रेस मीट करी है तो जहां पर भी एक्चुअली मीट करती है वहां क्या होती है रियल एंड इनवर्टेड जहां पर हमें डॉटेड करके मीट करानी पड़ती है बेटा वो वर्चुअल डायरेक्ट होती है। यहां पर इस एक्चुअल मीट करती है ये लैब में हम लोग बहुत करते हैं एक्टिविटी इसमें हम क्या करेंगे फोकल लेंथ निकालेंगे कौन से लेंस की बेटा कन्वेक्स लेंस की एक्टिविटी होगी। हम करें क्या हम लोग अपने जो लैब है फिजिक्स लैब है उसकी विंडो में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा विंडो से हमारे को हम उसकी इमेज ऑब्टेन करना चाहेंगे कहां पर बेटा एक पॉइंट पे इमेज शार्प इमेज लेंगे उसकी बेटा कहां पे दिखाई दे रही है क्या होता है देखो बेटा एक जगह पर हम लोग क्या कर देते हैं ऑब्जेक्ट ले लिया बेटा मान लो ये ऑब्जेक्ट क्या है वो विंडो है उस रूम की ये मान लो मेरी फिजिक्स लैब है यहाँ पर एक विंडो है विंडो में जाली वगैरह कुछ लगी हुई या ग्लास लगा हुआ कुछ तो होगा विंडो में। ठीक है हम उसकी इमेज ऑब्टेन करना चाह रहे हैं बेटा ऑब्जेक्ट पता लग गया क्या है तो उसके लिए हमें क्या करेंगे वहां पर हमने क्या रखा हुआ यहाँ पर एक लेंस लगाया हुआ है कौन सा बेटा कन्वेक्स लेंस लगा दिया यहाँ पर एक। ठीक है कन्वेक्स लेंस से मान लेते हैं अब इधर हम लोग हमारे पास क्या होगी मैं इधर रखूंगा या इधर रखूंगा बेटा ये क्या चीज है बताओ ये है क्या चीज स्क्रीन स्क्रीन को इधर रखूंगा इधर राइट साइड व्हाई राइट साइड बेटा इमेज वाली बिकॉज़ यहां पर हमारे पास क्या लेंस है मिरर होता तो इधर बनती इमेज कहीं ना कहीं मिरर में क्या होता है टकरा के इधर आ जाती है रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्शन में लाइट जो है इधर से दूसरी साइड जा रही है समझ लो ना बात को रिफ्लेक्शन में क्या होता था लाइट टकरा के उसी मीडियम में वापस आती थी यहाँ पर लाइट पास होकर दूसरी जगह जा रही है तो इसका मतलब इमेज यहाँ पर मीट कर रही है इधर कहीं ना कहीं तो हम क्या देखेंगे वो विंडो की शार्प इमेज हमें कहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत छोटी सी इमेज दिखाई दे रही होगी विंडो छोटी सी बिल्कुल शार्प इमेज दिखाई दे रही होगी विंडो की उसी छोटा सा पॉइंट जहाँ पे हमें शार्प इमेज दिखाई दे रही होगी उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे फोकस और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलेंगे फोकल लेंस बोलेंगे समझ आई एक्टिविटी है जो हम लोग स्कूल लैब में करते हैं बेटा कर भी लिया शायद तुमने जिसके स्कूल में टॉपिक हो चुका है वो कर चुके होंगे बेटा लैब से ठीक है वैसे सभी स्कूल्स में कराते हैं एक्टिविटी मैं तो खुद कराता हूँ तो आप लोगों की भी होगी डेफिनेटली होगी। इसमें हम लोग क्या करते हैं फोकल लेंस निकालते हैं उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कंसेप्ट टोटली बेटा कि ये कैसे निकाली जाएगी फोकल लेंस तो इस तरीके से निकाली जाती है वो चलो एक्टिविटी बताऊंगा समझाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा हम लोग ना उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास चलो इस प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोग देख लेंगे कैसे कर रहे हैं एक्टिविटी को ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ था बच्चों इन्फिनिटी पे इमेज कहाँ बनी एफ टू पे साइज बहुत छोटा बना है हाईली डिमिनिश हो लाइक से पॉइंट साइज और कैसा नेचर है इमेज का बेटा रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है बेटा एक्चुअल में रेस मीट कर रही है अच्छा मैग्निफिकेशन क्या होगी इसमें माइनस वन और लेस देन वन माइनस वन नहीं नेगेटिव बेटा नॉट माइनस वन नहीं है ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बताता है रियल इनवर्टेड। ठीक है दूसरा नेगेटिव लेस देन वन किस लिए बेटा ये नेगेटिव का मतलब अगर ये माइनस का मतलब ये ना सोचो ना लेस देन वन होगा माइनस होगा तो वैसे ही नहीं नेगेटिव तो किसके लिए होता है यूज बेटा रियल बताने के लिए रियल है वर्चुअल के लिए पॉजिटिव होता है नेगेटिव इसके लिए रियल के लिए
और लेस देन वन क्या बता रहा है कि हमारा साइज इमेज का छोटा है। आप सोचोगे लोग माइनस टू ले लिया बेटा तो छोटी इमेज बने, नहीं माइनस टू का मतलब छोटी इमेज नहीं है, क्या है बल्कि रियल इमेज है और बड़ी है, रियल है लेकिन रूट टू का मतलब बड़ी है। अगर कोई वैल्यू वन से बड़ी है तो उसका मतलब इमेज बड़ी है, ये इसको भूल जाए करो। अब आप कहोगे फिर एक ही वैल्यू लेती मैंने वन बाई टू, ये क्या है वन से छोटा होगा वन बाई टू, तो ये क्या है बेटा स्मॉल साइज इमेज होती है। ठीक है बेटा, तो अब ये ना सोचा लो माइनस टू तो देखो पहले जीरो से वन से छोटा हो गया तो ये कौनसी होगी, तो ये चीज नहीं है। नेगेटिव क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, रियल इमेज को बताता है। और तेरे को क्लियर है बेटा ये बात, और दोबारा पूछ लेगा ना बेटा साथ साथ ही, कोई चीज ज्यादा बड़ी हो जाए उससे पहले वहीं पे टोक दी जाए। ठीक है, हाँ मेरे बेटा रियल इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव तो यूज हो रहा है। ठीक है, रियल इन्वर्टेड के लिए हमेशा नेगेटिव होता है और वर्चुअल के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। देख मेरे बेटा, चलो मेरे पता है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहां बन रही है पता लग गई, साइज छोटा आ रहा है, नेचर रियल, एक्चुअली मेरे एक्समेंट से रियल इन्वर्टेड। अब कभी भी इमेज रियल हो ना तो एम क्या होता है, एक मैंने वर्ड याद कराया, मतलब जब भी रियल इन्वर्टेड इमेज होगी तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी बेटा। अब अगर साइज छोटा आता है तो एम की वैल्यू लेस देन 1 लेनी है बस यार, और अगर बड़ा होगा तो एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और अगर बराबर होगा तो एम की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी बेटा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, पहला केस क्लियर है, समझ आ गया बेटा। अच्छा, इसका मैं साइन कन्वेंशन के साथ सर्च करें इसके, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कांसेप्ट टोटली। ऑब्जेक्ट का हमारा इस साइड है हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखेंगे बेटा, ये हम लोगों ने मान लिया है, हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखेंगे इस साइड बेटा, तो इस साइड हमने नेगेटिव लिया तो यू क्या आएगा बेटा हमेशा नेगेटिव। इमेज कहां बनी है इस केस में, इधर बनी है, इस साइड ग्राफ है बेटा आपके पास, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है ना, तो इस इमेज इस साइड बना तो इसका यू क्या आएगा, मतलब आपको साइन कन्वेंशन याद नहीं करते बेटा, समझने हैं। ऑब्जेक्ट इस साइड है तो यू नेगेटिव, इमेज इस साइड बन रही है तो वी पॉजिटिव, इमेज इधर बनी है ना यहाँ पे बनी है बेटा, इधर बनेगा देखो ग्राफ होता है सबको, ये ग्राफ होता है, ये बेटा ये ग्राफ होता है, इधर वाला नेगेटिव होता है इधर वाला पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऑब्जेक्ट इधर था लेफ्ट साइड होता है ऑब्जेक्ट हमेशा, अब तो ये क्या आएगा नेगेटिव, इमेज इधर बनी है ये क्या आएगा पॉजिटिव, यहां तक समझ आ गया बेटा। हाँ बेटा चलो, और क्या है वी यू एफ, देखो फोकस मेन फोकस कौन सा होता है बेटा, जहां से रे जाती है पैरेलल रेस जहां पे मीट करेगी ना या अपीयर्स टू मीट होती है वो वाला फोकस मेन फोकस लेते हैं हम लोग। देखो तो यहां पर पैरेलल रेस आई कहां मीट करी, इधर वाली तरफ मीट करी ना, ठीक है, तो ये वाला फोकस मेन फोकस होता है, तो इसका जो फोकस मानते हैं हम लोग मेन फोकस वो ये होता है, तो इसलिए इसको हम क्या लेंगे हमेशा पॉजिटिव लेंगे। सर यू और वी बताना एक बार क्या होता है, देख बेटा यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, वी का मतलब इमेज कहां बन रही है, एफ का मतलब फोकल लेंथ, एम का मतलब मैग्निफिकेशन, चार चीजें बता दो। U ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है लेफ्ट साइड है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे इधर भी होता है, इधर वाली तरफ क्या लिया जाएगा नेगेटिव। ठीक है बेटा, इमेज कहाँ बनी है इस साइड बनी है, सारी रेस आई पैरेलल एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर गई बेटा, इमेज इधर बनी है ये मान लो क्या है लेंस है, इमेज इस साइड बनी है क्या आएगा इस साइड बेटा, हमारा ग्राफ कहता है कि इस साइड पॉजिटिव लो इस साइड नेगेटिव लो बेटा, समझ आ गया। तीसरा बेटा वी पता लग गया यू पता लग गया, एफ मैंने आपको बताया कौन सा लेना है, जब रेस जहां पर पैरेलल आती है जिस पॉइंट पे मीट करती है वो वाला फोकस आपको मेन फोकस लेना है। उस केस में क्या होएगा, एफ1 से जब रेस बिगिन होती है और एफ2 के उस साइड पैरेलल आती है तब मेन फोकस एफ1 होएगा, मेन फोकस उसे पैरेलल वाला लेना है अपने। ठीक है, मतलब फोकस तो ये भी है लेकिन आपने साइन कन्वेंशन इसके लिए यूज करते कौन सा वाला यूज करना है, जो कह रहे हो भी जो इसको मीट करेगी वो है, हां तो इसे मीट किया उधर मीट भी कर दिया वहां से निकल रही है, नहीं वो उस केस में जैसे निकलेगी या हां और पैरेलल हो जाएगी वो मीट ही नहीं करेगी तो कोई मेन फोकस नहीं है। अभी बताता हूं यहां तक समझ आ गया, इस वाला केस समझ लिया, ये वाला सबको क्लियर है बेटा, कोई डाउट इस वाले केस में, आगे बढ़े चलो सेकंड बताते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड 2f, यही है सारे केस होते हैं उसको समझ आ जाएगा देखो बेटा, तो इधर कर लिया क्या, इधर कर लूँगा लो मेरे बच्चों, सेकंड केस है बियॉन्ड 2f, समझ लो नहीं तो अपने आप बना लेना सारा कुछ ये डर, लेकिन समझना बहुत जरूरी है अच्छे से बेटा। देखो बेटा लेंस बनाया, कौन सा लेंस है कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 और बेटा 2f1 बराबर बराबर डिस्टेंस रखा करो बेटा हमेशा ही, ठीक है,
क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अर्शित घर से फोन आया था, बता अर्शित चुप, बता क्या था? सामने देखेंगे सभी अच्छे से, एक अटे को क्या निकालता हूँ बेटा मैं, हमेशा से यही करते आए हैं। एक्चुअली में ये नहीं होता, सिर्फ रेस पैरेलल निकलती है, हमने अपने हमें जो रूल पता था हमने उसके अकॉर्डिंग निकल दिया, लेकिन लो जी पैरेलल रे निकाल दी। क्या होगा इस पैरेलल रे के साथ बेटा? इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द अदर साइड आफ्टर द रिफ्रैक्शन। तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द अदर साइड। चलो बच्चों यहाँ पे समझ आया अच्छे से, एक रे मैंने यहाँ से पैरेलल निकाली और ये दूसरी साइड वाले फोकस से चली गई। दूसरा क्या करूं बेटा, सबको पता है सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दूंगा। ऑप्टिकल सेंटर से जब हम रे पास करते हैं तो क्या होता है बेटा, अनडेविएटेडली ये पास कर जाएगी, स्ट्रेट सीधा पास कर जाएगी। ठीक है बेटा, थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाते इसको, एक बार फिर से देखो बेटा। एक्चुअली ना मेजरमेंट नहीं होती हमारे यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत हो भी आता है डिफरेंस। ऑप्टिकल सेंटर F1, बस बोलना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप सबने पढ़ा हुआ है जब ऑब्जेक्ट प्योर सी होता था तो इमेज कहाँ बनती थी? मिरर में। कहाँ बनती थी? यहाँ पर क्या बनेगी? F2 वही चीज है, कुछ नया नहीं है बेटा, सारा एसिडिटी वही का वही टॉपिक है बेटा। तो जी पैरल ऑब्जेक्ट रखा, पैरल रे निकाली, कहाँ से जाएगी? फोकस से गई बेटा। ठीक है, दूसरा मैंने कहाँ से निकाल दी? ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पे रेस मिट करी, यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी? समझ आ रहा था? ये लो ऐसे एरो में दिखा रहे हैं, यहाँ पे यही सीधी चलेगी। बोलो क्लियर सभी को बेटा अच्छे से, जिसको नहीं समझ आया फिर से देख लो। ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2, ऑब्जेक्ट पर है बियॉन्ड 2F, पैरेलल देखे गए, फोकस से गई, ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, ये लो यहाँ रे रिफ्लेक्ट कर गई, तो यहाँ पे आ रहा हूँ। समझ आ गया अच्छे से बेटा, एक पैरेलल निकाल दी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से कर दी, सबसे इजी है बनाना बेटा। बना लिया रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट कहाँ था मेरे बच्चों बताओ? बियॉन्ड 2F, ऑब्जेक्ट कहाँ था? बियॉन्ड 2F, इमेज कहाँ बनी? 2F1 बोलना बेटा, F1 की साइड है ना, इमेज क्या बनी? बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर क्या है बेटा? रियल एंड एक्चुअली मेरे स्पिन कर रही है और उल्टी इमेज बनी है। साइज क्या है बेटा? छोटा है, देखो इमेज ये है, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, डिमिनिश्ड बोल दूंगा या स्मॉल भी बोल सकता हूं बेटा। एम क्या आएगा? नेगेटिव, नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? रियल। एम क्या आएगा? लेस देन 1, क्यों? छोटी है इमेज, इमेज छोटी है इसलिए बेटा। यू क्या आएगा बेटा? नेगेटिव, रीजन ऑब्जेक्ट तो इस साइड ही है, इमेज क्या बन रही है? इधर बन रही है। वी क्या आएगा? पॉजिटिव। एफ क्या आएगा? पॉजिटिव, बिकॉज जब ये रेस पैरेलल आती है तो यहाँ मीट करती है, हमें पता है, तो इसका मेन फोकस जो है वो इस साइड होता है बेटा। कोई डाउट किसी को भी, किसी भी पॉइंट पे बेटा, टेक योर टाइम बट आस्क द डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्ष सब में नहीं,
लास्ट के उसमें समझते क्या होगा जब लास्ट में पूछेगा ठीक है फोकल लेंथ या ऑप्टिकल सेंटर से मेजर यस इन केस ऑफ मिरर इट इज मेजर्ड फ्रॉम द कोर नाउ इन केस ऑफ लेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकस डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस इज नोन एज मिरर हो गया भाई करें आगे केस थ्री ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे 2F पे 2F का मतलब क्या होता है C जब ऑब्जेक्ट C पे होता था तो इमेज कहाँ बनती थी C पे यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है 2F1 पे इमेज कहाँ बनेगी 2F2 पे बस दूसरे साइड इमेज बननी है फर्क कितना सा हो गया लेंस और मिरर में यही फर्क है लेंस में सेम साइड चीजें होती थी यहाँ पर अपोजिट साइड हो रही है बेटा रीजन लाइट इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर रही है इसलिए ऐसा हो रहा है बेटा चलिए बात करते हैं हम लोग जब ऑब्जेक्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1 थोड़ा सा याद है जब मैं सी वाला केस करता था मैं थोड़ी सी डॉट लगा देता था ये इमेज वहीं बनाता हूं बेटा ऐसे यहां पर भी करना पड़ेगा बिकॉज़ मैं अपने कंपास तो यूज कर नहीं रहा तो उससे बिल्कुल एक्यूरेट इमेज हम बना पाएंगे आप लोग भी चीज कर सकते हो बेटा अगर आप लोग विदाउट एनी स्केल और कंपास वगैरह बनाते हैं तो देखो बेटा ऑब्जेक्ट का काम है 2F1 पे तो मुझे आइडिया है कि यहाँ की मेरे को इमेज बनानी है बेटा सेम साइज की बनानी है और कहाँ पे बनानी होती है 2F पे बनानी है 2F वगैरह तो बेटा रे कैसे निकाली पैरेलल क्या होगा फोकस से जाएगी बिल्कुल एक्यूरेट जाएगी देखना दूसरा बेटा कहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से करने की नीड ही नहीं होती है अपने आप ही होती है ठीक है बेटा कहाँ पे बनी है 2F2 पे ये लो दिया रहा हूँ सेम बनी है ऑब्जेक्ट कहाँ था 2F1 पे इमेज कहाँ बनी ऑब्जेक्ट इमेज नेचर आर एंड आई और क्या रहेगा साइज इक्वल साइज जैसे इसको होता था बेटा मैग्नीफिकेशन इक्वल एम नेगेटिव एम इक्वल टू 1 समझ आ गया यू नेगेटिव वी पॉजिटिव और एफ पॉजिटिव दरवे यू नेगेटिव के लिए यहां पर ऑब्जेक्ट उस साइड है वी पॉजिटिव के लिए इमेज कहां पर बन रही है इमेज इस साइड बन रही है लेंस के इसलिए पॉजिटिव है यू इधर नेगेटिव क्यों है ऑब्जेक्ट इधर था इमेज इधर इसलिए पॉजिटिव है फोकस हमेशा इसका पॉजिटिव लेंगे कन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं रीजन मैंने आपको बताया पैरेलल रे जब आती है जिस पॉइंट पे मीट करती है वो वाला फोकस हमें मेन फोकस ले लेना होता तो वो इस साइड है तो इस चीज को देखिए बेटा ठीक है यहां तक आ गए अपने समझ में हो गया क्लियर सभी को बड़ा जल्दी से जिसका हो गया वो 2F1 और F1 वाला उसी बीच वाला करोगे इसका चलो देखो बेटा ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम बियॉन्ड 2F सब बियॉन्ड 2F होगा ना बिटवीन 2F बिटवीन F1 एंड 2F1 ठीक है लो बेटा लेंस ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2 याद है क्या जब ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो इमेज कहाँ जाएगी दूर जाएगी वो भी बियॉन्ड 2F2 से बियॉन्ड 2F2 जाएगी ये लॉजिक थोड़ा आइडिया है कि यहाँ पे गिना लेना दूर बना लिया आपने बस थोड़ा आइडिया ले लिया मैंने एक आइडिया ही आपको आपकी दुनिया बदल सकता है बदल सकता है दुनिया दूसरा बेटा ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देंगे लो जी वो दे दो लो क्या होगा तेरा लाना नीचे बन तो भाई ऑब्जेक्ट था बिटवीन 2F1 एंड F1
इमेज बनी बेटा वी ऑन टू एफ टू नेचर रियल एंड इन्वर्टेड साइज एंड लार्ज या मैग्निफाइड एम ग्रेटर देन वन एम नेगेटिव। अब आप यहाँ समझ के देखो नेगेटिव और ग्रेटर देन वन की चीज कैसे पॉसिबल है। नेगेटिव का मतलब वहां पे ये नहीं है कि वैल्यू लेस देन होगी, नहीं, नेगेटिव का मीनिंग क्या है रियल, ठीक है बच्चों। और ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि साइज बड़ा है इमेज का, ठीक है। बात यू क्या आएगा हर्ष, पॉजिटिव या नेगेटिव, यू यू होता क्या है ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है, ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड ही होता है, तो यू क्या आएगा नेगेटिव। इमेज कहां बन रही है बेटा इसकी, इधर बन रही है ये नहीं, वी क्या आएगा पॉजिटिव, फोकस पॉजिटिव होता है इसका, ये वाला फोकस होता है पॉजिटिव। आया समझ में। अगला केस ऑब्जेक्ट को कहां रखना है एट एफ, कर लो जल्दी से ऑब्जेक्ट को रख लो एफ पे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे बेटा, इरेज बस बेटा देखो भाई ये हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया एट एफ F1, 2F1, F2 और 2F2। हमें पता है जब ऑब्जेक्ट फोकस होता है इमेज कहाँ बनती है इन्फिनिटी में बनती है, ये लो जी। तो पहली रे तो चलो निकालते हो, दूसरी मतलब ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ मीट करेगी, मीट है डी, बहुत दूर जाके इसकी इमेज बन रही होती है, जहाँ तक हमारी आई से आ रही होती है वहाँ पे इसकी इमेज हमें दिखाई दे रही होती है, ठीक है। जैसे टॉर्च होती है टॉर्च की लाइट बहुत दूर तक जा रही होती है ना, हमें लगता है कि बहुत इन्फिनिटी तक बोल देता है, ठीक है। तो मीट एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट का था बेटा एफ वन, ऑब्जेक्ट था एट एफ वन, इमेज बनी एट इन्फिनिटी, यू बट अच्छा रियल एंड इन्वर्टेड एक्चुअली में रेस नहीं है, ठीक है। साइज हाईली लार्ज बेटा, बहुत ज्यादा बड़ा, highly enlarged m greater than 1 m negative u negative v positive f positive sab cheeze bhai aise easy hai bata bas ek last case dikha raha hu bata uske baad ek 6 ke 6 rate hai agar fatafat practice kar lena ye ho sakta hai 2 minute kar raha hu sabse important case yahi hai bata theek hai। लो जी जल्दी से देखो बेटा, बस ओ एफ वन टू एफ वन एफ टू टू एफ टू ऑब्जेक्ट बिटवीन ओ एंड एफ एफ में पैरेलल से आएगी फोकस से जाएगी बेटा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहे हैं, ये दोनों डाइवर्ज हो रही है बेटा कहीं कहीं, ठीक है। जब भी डाइवर्ज होती है तो, लेकिन अगर इनको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस कराएंगे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे क्या हो जाएगी मीट कर जाएगी, एक्चुअली में तो रेस मीट नहीं करी ना, तो बार बार में मीट करेगी, नहीं नहीं कहीं नहीं कर सकती इस टाइम का। तो क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट का आधार बेटा एट बिटवीन ओ एंड एफ वन, इमेज का बनी सेम साइड ऑफ द लेंस सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बेटा, जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड इमेज बनी है, जो कैसे बनती थी जब मिरर होती थी जब बनती थी जैसे बेटा मैग्निफाइड इमेज हो रही है एम ग्रेटर देन वन एम पॉजिटिव, एम पॉजिटिव क्यों लिखे इस पर ही वर्चुअल इमेज है, यू क्या है बेटा बोलो नेगेटिव, वी नेगेटिव इमेज किस साइड है एफ पॉजिटिव, और फोकस तो यही है ना सर, ये अलग केस है सबसे बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना इसको बेटा। अगर मैं इधर देखता तो इरेज दोनों दूर जा रही थी कभी मीट नहीं करती, लेकिन इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कराएंगे तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मीट कर जाएगी, वहां पर डॉटेड डॉटेड ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, नंबर कटेगा आधा नहीं दिखाएगा डॉटेड बेटा, वर्चुअल इमेज है इसलिए डॉटेड दिखाएंगे बेटा, रेस या मीट कर गई अपीयर्स टू मीट हो गई। ऑब्जेक्ट जब ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस
साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाती है, मैग्नीफाइड इमेज होती है। ठीक है, जल्दी से सारे रे डायग्राम्स 5 मिनट के अंदर वापस प्रैक्टिस कर लो, हो जाएंगे सारे रफली। हां रफली रफली कर लो जल्दी से।